भूख लग रही है, हम हैं और हमको भूख लग रही है, भूख लग रही है यार, यार बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खिला दो, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, कहीं पे खाना, कहीं तो खाना खिलाए यार। सो फाइनली हम कहीं पर खाना खाने रुके हैं, क्या नाम है, जयपुर की तरफ बाय कार, और अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 8 और हम लोग हैं 1.5 घंटा लेट, कवर करना है और अभी कार चला रहे हैं अंकुश कुलश्रेष्ठ और साथ में है अंकित वर्मा और मैं पूर्णिमा वर्मा। तो गाने चल रहे हैं, हम लोग बहुत रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और रुक करके थोड़ा सा कुछ खा लिया है, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पर, और ये 100 किलोमीटर्स का है और यहाँ है ये है कि आपको 100 की स्पीड पर ही गाड़ी चलानी है और आप बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये निकलते हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे और हम मतलब हमें निकलना चाहिए था 9:30 या 10 बजे के आसपास, तो हम लोग एक्चुअली निकले थे 11 या 11:30 बजे के आसपास और उसी बीच हमें जो मुंबई हाईवे जो है उसमें बहुत जाम मिला था 11:30 बजे भी, तो उस वजह से हम लोग निकलने में काफी लेट हो गए। तो होते होते हमने ओवरनाइट पूरा ड्राइव किया है, तो बस ड्राइव करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं और हमें शाम तक पहुंचना है जयपुर के लिए। हम गाड़ी में जा रहे हैं और इससे हम कई बार जयपुर जा चुके हैं और जब भी हमें लगता है या अंकित को जाना होता है तो उठता है और हम उठा के चल देते हैं अपना सारा सामान उसकी गाड़ी में डाल के और बस चल देते हैं। गाने के साथ लगी नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं पकड़ रख दिया, लूज है ना थोड़ा। यहाँ पे है ये टोल टैक्स और वैसे इस जगह पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है क्योंकि चुनाव है, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो सख्ती से सबके सामान की, एक एक सामान की चेकिंग हो रही है। ओके, हमारी गाड़ी ये रही, तो एक वॉशरूम ब्रेक था ये, और कहाँ है हमारे साथी सहपाठी, कहाँ गया अंकित, कहाँ है? तो चलो थोड़ी देर अंकुश से बातें करते हैं। ये हाईवे हम सीधा उदयपुर के लिए पकड़ेंगे, चलो अभी थोड़ी अंकुश से बातें करते हैं। तो अंकुश जी, अंकुश का जो शोल्डर है वो मतलब डिसलोकेट हो गया है और उसके बावजूद भी ये ऐसे इंसान है जो गाड़ी चला के जा रहे हैं, मतलब हमने कितना मना किया कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये बदतमीज दड़ियल वाला आदमी गाड़ी चला के ही मारा। देखो अभी इसने हाथ की पोजीशन ऐसे रखी हुई है, इसका हाथ अभी ठीक नहीं है, आओ कांटा देख के बैठना। अच्छा वैसे एक बात बता दूं, पूरी सुबह से लेके और इवनिंग तक की ऑफिस में के बाद में पूरी रात इन्होंने ही ड्राइव किया है और अब इनकी हालत हो चुकी है खस्ता, तो सुबह कुछ मिनटों के लिए मुझे मिली थी ड्राइव
उसके बाद में बस फिर गाड़ी रोकनी पड़ी, उसके बाद में इस लालची आदमी ने गाड़ी पे आग जमा लिया। तो अब चलते हैं, तो चलिए अब धमाधम गाड़ी चलेगी और भूख लग रही है, हम गाड़ी रोकेंगे पर काफी देर बाद रोकेंगे, किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाएं, कहीं पे भी। हमारे पास कुछ ऑरेंजेस हैं और हमको भूख लग रही है, तो अभी मैं मेरे प्यारे दुलारे दोस्तों को ऑरेंज छील छील के उनको खिला रही हूँ। और पीछे चीकू का एक थैला गया और अपने हाथों से खिला रही हूँ। अभी चल रही है संतरा पार्टी, दोस्तों पहुंचते पहुंचते मतलब ऐसा हाल हो गया है, अब मेरे दोस्तों ने ट्रकों वाले गाने लगाना शुरू कर दिया है, थोड़ा वॉल्यूम तेज करना, तो ट्रक वाले लोग चलाते हैं ना, वो वाले गाने चले इन दोनों को देखो आ गई मेरे दोस्तों की आत्मा वापस आ गई नॉर्मल गानों पे लौट आए हैं दोनों की थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज डीजे वाले बाबू गर्दन ही लाए जा रहे हैं दोनों मुर्गे की जैसे। अब हम एंटर कर रहे हैं राजस्थान में और अभी हम खड़े हैं गुजरात की सीमा में और ये हम एंटर कर गए राजस्थान की सीमा में। ये देख देखिए ये और वो, तो हम राजस्थान में एंटर कर गए हैं। राजस्थान पुलिस लिखा हुआ भी दिख रहा है, कहाँ से दिखाना है राजस्थान पुलिस पुलिस। भूख लग रही है यार, इन बंदों ने भूखा मार दिया, खिला नहीं रहे खाना, आगे मोड़ है, मोह है इनको जल्दी पहुंचने का, मोह मोह भंग नहीं कर पा रहे। होटल बार रेस्टोरेंट देसी वे अंग्रेजी शराब, ऐ पूर्णिमा जाना नहीं बैठने चुपचाप देसी की तरफ भागती है लड़की, झूठ बोल रहा है। अरे वहाँ पे कौन डालता होगा लेटर बॉक्स, कौन बनाया अभी पेट्रोल पंप पे कोई नहीं है। पेट्रोल हमने पेट्रोल भरवा लिया है शायद गाड़ी में, कितने का पेट्रोल भरवाया हम लोगों ने जयपुर तक जाने के लिए, कितने का भरवाया? अरे ब्लॉग में हो ना ये ज्यादा बता दे, ये बता ही नहीं रहे कितने का भरवाया, ये 13,000 का पता नहीं क्यों फेका लॉजी कर रहे हैं, रियल बाकी नहीं है, सच में लग रहा है यार 13,000। देखो ये कहाँ से आ रहे हो, और गर्मी बहुत ज्यादा तेज है और राजस्थान में क्या देखो कैसे धूल उड़ रही है और पता लग रहा है ना सब कुछ चारों तरफ सूखा सूखा है। ईश क्या इसके अलावा कुछ और है बोलोगे कुछ, कैसे हैं आप लोग? अच्छा अभी आपको अंकुश पतला दिख रहा है लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो अंकुश मोटा दिखेगा, क्योंकि पता नहीं अभी क्यों सडन एकदम पतला हो गया है। कौन सी उंगली पतली लग रही है आपका, आप ओवरऑल पतले हो गए हो। थैंक यू ऐसा कुछ भी नहीं यार, बहुत भूख लग रही है, ये लोग आप लोग मुझे खाना नहीं खिलाने वाले हो क्या? ये भैया ने राजस्थानी गाना चला दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, बंद भी कर दिया, अच्छा लग रहा था क्यों ब्लॉग में कुछ बोल नहीं रहे, रात भर गाड़ी चलवाई है क्या बोलेंगे, अब तो नींद ही बैठो बैठो चलो अब हम जा रहे हैं, यार कुछ खिला दो भूख लग रही है बहुत। अब हम नहाने जा रहे हैं, खाना खा लिया, अब अंकुश थोड़ी देर शांत रहेगा, कुछ कुछ अपने ऑफिस में बहुत सारी बातें करी हैं तो उससे वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया है, इरिटेट और सारे टेट हो चुका है। आओ सामने दिखाओ, देखो क्या है, ये देखो बेटे ये देखो, हम तुम्हें कहाँ ले आया हूँ यार, ये सारा व्यू है ना, हम एक बार यार बारिश के मौसम में आए तो कैसा रहे। यार दोस्तों अभी कुछ मजा नहीं आया क्योंकि पहाड़ सारे सूखे पड़े हैं, हम ट्राई करेंगे कभी बारिश में आए। अंकित कभी तुम बारिश में आओगे ना, घर जाओगे कभी बारिश में? अरे अंकित मेंढक है
चलो एक अच्छा हर मौसम में आ सकते हैं, ये सीजनल नहीं है, हर मौसम आम है। तो अंकित बारिश वाले मौसम में लेके आओ कभी हमको बिठा के। हाँ तो छाछ आएंगे नहीं तो फोर्स लाएंगे। चलो ठीक है, अभी सिर्फ गंजे पहाड़ दिख रहे हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे। यार कहीं खाना खिला दो यार, ये खाना खिला कहीं पे, खाना कहीं तो खाना खिलाया यार। अरे अभी गड्ढा खिलाया, अब कुछ मैं मांगना ठीक है। बहुत गंदा धचका था ये गड्ढे। सो फाइनली हम कहीं पर खाना खाने रुके हैं, क्या नाम है, भाग्योदय होटल। दिस इज अ भाग्योदय होटल, भाग्योदय। सबसे पहले तो मैं हाथ धोऊंगी क्योंकि मैंने अंकुश के बालों की चमकी कर दी, सो रहा था मैन्यू आ गया, हम कुछ कुछ ऑर्डर करेंगे अब। मैं हाथ धो के आती हूँ। यहाँ के जो भैया है जो खाने वगैरह का ऑर्डर ले रहे हैं, तो उन्होंने अभी अंकुश ने पूछा कि वेज कढ़ाई में क्या आएगा, तो अंकुश जवाब देंगे। यहाँ पे आ जाकर के मैंने जाना कि वेज कढ़ाई में वेज मिलता है। मैंने पूछा इनसे वेज कढ़ाई में क्या मिलेगा, इन्होंने बोला वेज कढ़ाई में आपको वेज मिलेगा। ये भी तो बताओ रोटी कौन कौन सी। और मैंने इनसे ये पूछा, इन्होंने पूछा कि आप रोटी कौन कौन सी लेंगे। मैं पूछा इनसे कौन कौन सी है, तो इन्होंने कहा एक बटर है, एक सादा। बटर और जो सादा है वो दोनों ही तवा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ठंडी ठंडी छाछ आ गई है सोते हुए, सोचेंगे आगे है प्लानिंग हमारा। खाना भी आ गया भैया, कहते हैं और ये क्या है स्पेशल, काजू वाजू कुछ आया है उसमें। हाँ चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ काजू 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 का। तो यहाँ पे अब गाड़ी जो है कोई और ड्राइव कर रहा है, क्या नाम है कि कोई और का, कोई और जो है उनका नाम है पूर्णिमा वर्मा, जो बात आती ब्लॉग में अकेली। बोलो भाई ब्लॉग में कुछ बोलना होता है ऐसे थोड़ी। अरे तो जिसका ब्लॉग होता है वो बोलता है, कैमरामैन क्या करता है, क्यों भाई बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, कुछ सही नहीं। आप भी अपना समर्थन दे जो आप पीछे सो रहे। जी जनाब। सो गया ये लड़का और नहीं, यहाँ आया मैं क्रिकेट खेलने था लेकिन मेरी टीम नहीं आई, मैं सो जाता हूँ। बकवास बकवास नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, क्रिकेट खेलने नहीं आया था। So here we have Purnima who is driving the car. और हम लोग क्या हो गया, खाना चढ़ गया क्या, क्या भी पागलों के जैसे ऐसे जा रहा है। अरे तो पूर्णिमा जी चला रही है कार, पहले भी चला चुकी है लेकिन आज इनका एक तो इतना लंबा कर दिया इसको वीडियो को, ऊपर से तीन बार इंट्रो करा दिया, क्या चाहते हो इससे। कुछ नहीं, देख रहे हैं कि आपके फोन की मेमोरी कितनी है, मेमोरी कितनी ज्यादा है। सेम वही हो रही है कि अरे यार तुम सर कटवा के नहीं लेते हो, कटवा के लिए आए, अरे थोड़ा कीड़ा कटवाना था, ऐसी वाली बात है। ब्लॉग बनाओ, बना के मेरे, अरे ऐसे थोड़ी बनाना था। बढ़िया है, ना प्यारा व्यू है, मस्त मजा आ रहा है। अब अंकुश कैरी ऑन करेगा। सो अंकुश बंद करो, गर्मी आ रही है। हम लोग टनल में एंटर करने जा रहे हैं, अंकुश इज सेइंग कि बहुत मस्त वाली टनल है, व्यू मस्त नहीं हुई तो आप कोई लाइन है अंकुश आपके लिए, खुदा नसीब है। और ये बन रही है नाथ द्वारा में शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति। चुके हैं राजसमंद।
मेरे लिए विदाउट शुगर वाला जूस नहीं मिला है तो मैं नारियल पानी पी गई, अमृत आया दोनों के लिए। कैसा है बॉयज, बॉयज कैसा है? लगता है इनको पसंद नहीं आया। कितने खराब मुंह बना के दोनों ने, बिल्कुल भी खुशी नहीं इनको, अमृत भी नहीं। प्यारा सा सनसेट हो गया है और हम अजमेर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम बीच बीच में कुछ कुछ खाने के लिए रुक गए थे, उसके बाद हम जयपुर पहुंच जाएंगे और हमारा ये ट्रिप वहीं पे एंड हो जाएगा। तो हमें नेविगेशन बता रहा है 9:40 का टाइम दिखा रहा है, बट हमारे होनहार अंकुश लगे हुए हैं कि हम थोड़ा जल्दी पहुंचे। तो चलिए हम जब भी पहुंचेंगे आपको अपडेट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय। हमारी जर्नी मुंबई से जयपुर की अब यहाँ पे खत्म हो गई है, हमने अंकुश को श्रेष्ठ को उतार दिया है और अब ये जबरदस्ती हमें अपने घर पे लेके जा रहा है। और कितने बजे जयपुर पहुंचे, कितने बजे जयपुर पहुंचे? हम 9:30 जयपुर पहुंच गए हैं और नेविगेशन ने बिल्कुल सही टाइम बताया था और जर्नी खत्म हो गई है। 9:30 हम लोग जयपुर पहुंच गए हैं, हमने अंकुश कुलश्रेष्ठ को उसके घर उतार दिया है और अब अंकित मुझे अपने घर छोड़ेगा फिर अपने घर जाएगा। अब आप दोनों बोलो। मैं सबसे लास्ट में जा रहा हूं, लेट आराम नहीं कर पाऊंगा और सबसे लेट तक आराम ये ही कर पाएंगे क्योंकि इनको पता है कि मेरी सिचुएशन क्या चल रही है। और हमारी ये जर्नी बहुत हम्पी थी। बाय बाय बाय। Yeah.